अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां अगस्त क्रांति मंच के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के निज निवास में संपन्न हुई, जिसमें अगस्त क्रांति मंच के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित हुए। अगस्त क्रांति मंच के सभी क्रांतिकारी साथी उपस्थित होकर विकास धूणो यात्रा के संबंध में चर्चा की। 19 नवंबर सन 2021 से होने वाली विकास धूणो पदयात्रा में सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किए। यह पदयात्रा दिनांक 19 नवंबर 2021 को माता राजराजेश्वरी दरबार रामपुर से प्रारंभ होकर नई गढ़ी जनपद पंचायत के लगभग 300 से अधिक गांवों में जाएगी और विकास को अगस्त क्रांति मंच के साथ ही धूढ़ेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में कागजों में तो विकास हुए हैं, पर धरातल में विकास की कहीं रूपरेखा न मिलने की बात लगातार उजागर हो रही है। ऐसे में अगस्त क्रांति मंच संगठन के द्वारा विकास धूड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। आज के बैठक में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, जिला अध्यक्ष प्रशांत उपाध्याय, डीके तिवारी, प्रियेश पांडे, संजीव पांडे सहित सैकड़ों अगस्त क्रांति मंच के क्रांतिकारी साथी उपस्थित रहे हैं। आज नई गढ़ी जनपद के लगभग 350 से ज़्यादा छोटे बड़े गांव मोहल्ले मिला के हर कोने में जाकर, और जो विकास हुआ है कागजों पे, जिसके ढोल बजाए जाते हैं प्रतिदिन, जनता की सुविधाओं के, आवास के, नाली के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, खेत तालाब के, मेड़ बंधान के, पुष्कर सरोवर, अमृत सरोवर, और अभी आपने देखा होगा कि रीवा जिला सीओ ने डाला था कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा वृक्षारोपण अभी नई गढ़ी जनपद के किसी गांव में हुए थे। अब ये हम सबको देखना है कि वो हैं कहाँ, और जो विकास हैं उनको ढूंढना है हम सबको, और अगर नहीं मिलते तो, अगर कोई चीज़ गुम जाती है तो FIR कराई जाती है। तो जितना विकास चोरी हो गया है या गुम गया है, जब हम हर गाँव से, गली से ढूँढेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, तो 30 तारीख को नई गढ़ी में पूरे गांव के मोहल्लों के लोग इकट्ठे होके एक बड़ी सभा के रूप में FIR कराएंगे और मांग रखेंगे कि ये जो चोरी हुई है, और चोरी नहीं, एक सामूहिक डकैती हुई है, इस डकैती से हम निजात दिलाने के लिए प्रशासन आगे आए, और जो लोग हैं इस डकैती के जिम्मेवार, इस चोरी के जिम्मेवार, उनके ऊपर तत्काल FIR हो। कैसी रणनीति बनी है, कब से पदयात्रा चालू होगी और कहां जाकर अंत होगा, कितने गांवों की यात्रा करेंगे पैदल? आपको जैसे बताया कि अपने 76 पंचायतों के जितने भी गांव हैं, पंचायत ही नहीं उनके गांव भी, हर जगह होगी, और रात ही विश्राम, जिस दिन से यात्रा चलेगी निरंतर चलेगी, और रामपुर के महाराज राजश्री माता मंदिर से 19/11 को सुबह 8:30 बजे रामपुर ग्राम पंचायत से शुरू होगी, जो कौरी, भीर, मौहरिया, और उसी दिन कुसहा, कोट, भदाबल, जोधपुर, पहलपार, परसदा, भदाबल होके प्रतिदिन लगभग 8 से 10 पंचायत को कवर किया जाएगा। अगस्त क्रांति मंच जो पिछले एक वर्षों से ज़्यादा समय से निरंतर लड़ाई लड़ रहा है, इस बार विकास ढूंढने निकला है, तो वाकई में क्या लगता है आपको कि इस पदयात्रा से आप विकास ढूंढ कर जनता को उनका हक दिला पाएंगे? देखिए, एक लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, हमारा देश कई चरण में गुलाम रहा, पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का, वर्तमान परिस्थिति में अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अगस्त क्रांति, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय।